अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आज आपकी मुलाकात करवा रहा हूं खालिद हुसैन से, जो एक टूरिज़म कंपनी में ऑपरेशंस को हेड करते हैं। हम खालिद से ये जानेंगे कि हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ में कौन कौन से ऐसी डेस्टिनेशंस हैं, कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो टूरिज़म के हवाले से बड़े ही अट्रैक्टिव हैं। आप हमें बताएं कि नॉर्दर्न एरियाज़ में कौन कौन सी ऐसी लेक्स हैं जो टूरिज़म पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी ही आइडियल डेस्टिनेशंस हैं। हमारे पास नॉर्दर्न एरियाज़ में बहुत सारी लेक्स लगती हैं। अगर हम गिलगित बल्तिस्तान वाली साइड पे चले जाएँ तो वहाँ पे हमारे पास जो है रश लेक है, ठीक है, वो भी काफ़ी हाइट पे है। रश लेक का ज़्यादातर लोगों को नहीं है इतना आइडिया कि रश लेक है कहाँ पे। अगर हम हुंजा वाली साइड पे चले जाते हैं तो हमें नाइट स्टे करना पड़ता है हुंजा के अंदर, अगर हम रश लेक के लिए हम ट्रैक करना चाहते हैं तो। ठीक है, अगर कोई बंदा लाहौर से निकलता है तो उसका क्या कितने टाइम का डिस्टेंस होगा, उसको कहाँ पर स्टे करना पड़ेगा? तकरीबन आपके रश लेक के लिए ना कम से कम आपको जो दिन चाहिए वो कम से कम 7 से 8 दिन चाहिए, बल्कि उससे भी ज़्यादा भी आपके दिन टाइम लग सकता है। वो आपके चलने पे डिपेंड करता है क्योंकि वो सारा पैदल ट्रैक है। ठीक है, पैदल ट्रैक। गाड़ी तक कहाँ तक जाना पड़ता है? गाड़ी जो है गाड़ी आपकी जाएगी हुंजा तक। हुंजा तक आपकी गाड़ी जाएगी, गाड़ी वहाँ तक आगे से आपकी वहाँ से जीप होगी। हमें यहाँ से कितना टाइम, कितने किलोमीटर है हुंजा? यहाँ से तकरीबन आपका कोई बनता है हुंजा जो है कम से कम कोई 1300-1400 किलोमीटर हुंजा का बनता है पूरा ट्रैक। अगर नारायण वाली साइड में बाबूसर टॉप वाली साइड से जाएँ तो हमें कम पड़ता है क्योंकि वो शॉर्टकट रास्ता है। अगर हम केकेएच से जाते हैं तो केकेएच जो है वो काफ़ी लंबा, उसका ट्रैक है जो है वो काफ़ी लंबा है। तो हुंजा में हमें यहाँ से लाहौर से निकल के हमें डायरेक्ट जाना पड़ेगा चिलास। चिलास में हमने स्टे करना पड़ेगा क्योंकि ज़्यादा सफ़र आवाम नहीं कर सकती, तो वहाँ पे चिलास में जाके स्टे करेंगे। तो फिर नेक्स्ट डे पे हम जाएंगे वहाँ से आगे हुंजा के लिए। हुंजा में अपनी एक गाड़ी जो है वो पार्क करेंगे, उसके बाद वहाँ से हम लेंगे जीप। जीप में हम बैठेंगे, आधे रास्ते तक जीप जाती है, वहाँ पे जाके हमने फिर करना है नाइट स्टे। तो जीप का कितने ट्रैवलिंग कितने आवर्स का होता है? तकरीबन कोई 2 आवर्स का मैक्सिमम, इतना ही होता है, उससे ज़्यादा होता। सेफ है? हाँ, बिल्कुल सेफ है। और इसके लिए आइडियल जो वेदर है, सीज़न है, वो कौन सा होना चाहिए? कौन सा इसका सीज़न जो है वो आप इसको जुलाई अगस्त में इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके लिए आप जुलाई अगस्त में जा सकते हैं इस लेक के लिए, रश लेक के लिए, क्योंकि ग्लेशियर्स वगैरह होते हैं। ग्लेशियर्स सर्दी में तो आप बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल है जी। ठीक है, नाइट स्टे हम चिलास में करेंगे, फिर हम अगला नाइट स्टे करेंगे हुंजा वाली साइड से बैठ के, जीप्स में बैठ के, रास्ते में बेस के 1 पे जाके हमें स्टे करना पड़ेगा। वहाँ से फिर हमारी पैदल ट्रैकिंग स्टार्ट होती है रश लेक तक। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट डे पे जाके पहुँचते हैं रश लेक। तो उस ट्रैक के लिए आप क्या एडवाइस करते हैं कि बच्चों का किस एज के लिए होना, मतलब स्पेसिफिक इस एज के बच्चे ना जाएँ, लेडीज़ ने जाना है तो ये हो तो अगर मतलब क्या कैसे इक्विपमेंट्स होने चाहिए, ड्रेस कैसा होना चाहिए, खाने पीने का सामान? लाहौर से हम जाएंगे ना तो हमने सबसे पहले इस चीज़ का ख्याल रखना है कि हमारे पास गर्म कपड़े होने चाहिए, जैकेट्स होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये तो ऑब्वियस है ना, सर्दी होती है वहाँ पे बहुत ज़्यादा। हमको जो वहाँ पर हमने एक वॉकिंग एक ट्रैक करना है, उसके लिए हमारे पास कौन कौन से इक्विपमेंट्स होने चाहिए? उसके लिए हमारे पास मेन चीज़ जो है वो हमारे शूज़ अच्छे होने चाहिए, जो मेन चीज़ है वो शूज़, क्योंकि हमने वो ट्रैक जो है वो ग्लेशियर से गुजरना पड़ता है, तो ग्लेशियर स्लिपरी ज़्यादा होती है ग्लेशियर्स पे, तो उसके लिए हमारे पास अच्छे शूज़ होने चाहिए। तो कितनी आपको आज की वॉक करनी पड़ती है वहाँ पर? तकरीबन हमें मैक्सिमम एक दिन का सफ़र करना पड़ेगा, जहाँ पे हम फर्स्ट स्टे करेंगे। वहाँ से जब हम ट्रैकिंग अपनी स्टार्ट करेंगे वो हमारा पूरा एक दिन का ट्रैक होगा। नहीं तो कितने आवर्स चलना पड़ता है फिर वहाँ पर? तकरीबन कोई 9 से 10 घंटे मैक्सिमम जो है वो हमें टाइम लगेगा। फिर हम रश लेक पे पहुँचते हैं। रश लेक पे फिर हमें स्टे करना पड़ेगा। ठीक है, वहाँ पे कैंपिंग साइट जो है वो अपने कैंप्स में वो साथ लेके जाने पड़ेंगे, तब जाके हम वहाँ पे स्टे कर सकते हैं। तो वहाँ पर कैंप्स होते नहीं है? कैंप्स नहीं होते, कैंप्स आप यहाँ से साथ लेके जाएंगे। आपको वहाँ से गाइड जो है वो लाजमी लेंगे, गाइड आपको लाजमी चाहिए क्योंकि गाइड की आपको ज़रूरत पड़ेगी, उसने आपको रास्ता भी दिखाना है, सारी चीज़ें आपको करनी है, तो गाइड के बगैर वो चीज़ नहीं हो सकती। तो कैंप्स हमें परचेज़ करने पड़ते हैं या रेंटल मिल जाते हैं? सर रेंटल यहाँ से भी मिल सकते हैं और वहाँ पे आपको रेंटल नहीं मिलेंगे। जो चीज़ आप साथ लेके जाएंगे, जो चीज़ अपनी है, तो वो ज़्यादा आपके लिए बेहतर होती है। आपकी जो स्पेस भी तो काफ़ी हद तक डिस्टर्ब होती है ना उस चीज़ से, तो वहाँ पर कोई ऐसी नहीं सर्विसेज जहाँ पर आपको रेंटल मिल सके? हाँ, रेंटल देखें हुंजा के अंदर 2-3 लोग हैं वो रेंट पे देते हैं चीज़ें। आपको हुंजा से भी मिल जाती है, लेकिन यह है कि थोड़ी एक्सपेंसिव होगी, लेकिन आपको रेंट्स पे वहाँ से कैंप्स वगैरह मिल जाएंगे, इतनी इतने कोई इशू नहीं। फिर आगे रश लेक के हवाले से, और रश लेक के अलावा अगर हम चले जाएँ, देवासई भी है, शिवसर लेक है, वो भी काफ़ी हाइट पे है, तो उसके लिए जो है वो ईजीली है। आप पहले जाएँ स्कर्दू जाएँ, अगर आप लाहौर से चलते हैं या इस्लामाबाद से चलते हैं तो आपका पहला स्टेज जो है वो चिलास में करना पड़ता है। अगले दिन आप चलेंगे स्कर्दू के लिए, स्कर्दू में जाके आप स्टे करेंगे। चिलास से जो स्कर्दू का रास्ता है, पहले तो रोड काफ़ी ख़राब थी, अब तो रोड बन गई है माशाल्लाह से, हमारी FWO ने मेहनत की है उस सड़क पे, तो अब बन गई है। पहले आप ये लगा लें कि चिलास से हमें कोई मैक्सिमम 18 से 20 घंटे लगते थे, हम जाके स्कर्दू पहुँचते थे रोड ना होने की वजह से। अब वो टाइम जो है हमें कवर हो रहा है, तकरीबन 3 से 4 घंटे में हम इजीली स्कर्दू पहुँच जाते हैं। स्कर्दू में जाके हम करेंगे स्टे करके नेक्स्ट डे पे हम जीप्स लें वहाँ से, अगर हमने शिवसर लेक देखनी है, बहुत खूबसूरत लेक है। तो शिवसर लेक के लिए हमें कम से कम पूरा दिन चाहिए, क्योंकि हमारा सारा ट्रैक जो है वो जीप ट्रैक ही है, जीप पे ही हमने जाना है। और जीप पे उसमें वो दूसरी ट्रैक नहीं है, बाय वॉक ट्रैक नहीं है इस पर, नहीं इस पर वॉक ट्रैक नहीं है। इसके रास्ते में 2 लेक्स लगती हैं, एक है सतपारा लेक्स, लेकिन वो भी रोड के ऊपर ही है। उसके बाद देवासरी वाली साइड पे चले जाएँ तो ये आती है शिवसर लेक, शिवसर लेक पे चले जाएँ। शिवसर लेक जो है वो तो जीप्स पे ही है, वो देख लें। उसके बाद हमारे पास तीसरी एक और लेक है जो बहुत मशहूर है, लोग जो हैं वो जाना चाहते हैं, लेकिन वहाँ पे आर्मी की परमिशन लेनी पड़ती है उसके लिए, तो वो भी आपको इजीली मिल जाती है। वहाँ पे हट्स वगैरह आर्मी ने बनाए हुए हैं, आपको मतलब रिहाइश का इतना इशू नहीं है, वहाँ पे जाके स्टे भी कर सकते हैं। उसका जो ट्रैक शुरू होता है वो होता है उस्तौर वाली साइड से, वो भी आपको पहले चला स्टे करें, नेक्स्ट डे पे आप उस्तौर वाली साइड से होके दुमेल, दुमेल से फिर दुमेल तक पहुँचेंगे। तो उस लेक का नाम प्यारा सा नाम है, रैम्बो लेक है, बहुत प्यारी खूबसूरत जगह है। जी थैंक यू वेरी मच जी, आपने हमें बड़ा अच्छा गाइड किया। व्यूअर्स, हमारे पाकिस्तान में बहुत अच्छी खूबसूरत जगह हैं अल्लाह पाक ने जो हमारे मुल्क को दी हैं, बस हम लोगों को चाहिए कि हम इनको एक्सप्लोर करें। और इस हवाले से हमें जो है वो खालिद साहब ने बड़ा अच्छा गाइड किया। थैंक यू रमेश जी, आपने टाइम दिया, बहुत शुक्रिया आपका। व्यूअर्स, आपने हमें देखा, थैंक यू वेरी मच।